नमस्ते, मैं विक्रमादित्य, मैं अमितोदन प्ले कर रहा हूं, अगर शुद्धोदन राम तो मैं लक्ष्मण। बहुत सिंपल स्टोरी है, बुद्ध की सब जानते हैं हम, कि अ मैन हु जस्ट फॉलोड हिज जर्नी, हिज पाथ, और कोई भी सर्कमस्टेंसेस हो, जैसे भी हो, कि राजा के घर में पैदा हुए, जिस तरह उनका जन्म हुआ, ही डिड नॉट स्टॉप फॉलोइंग द पाथ ही वॉज गोइंग ऑन, वेरी सिंपल। लेकिन जो स्केल, जिस स्केल पे ये बन रहा है, इफ यू कैन सी, अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा, जो देखा, आई डोंट थिंक इंडियन टेलीविजन पे इस स्केल पे आज तक कुछ हुआ होगा, एंड आई थिंक दैट जस्ट मेक्स इट सो अमेजिंग फॉर ऑल ऑफ अस टू बी अ पार्ट ऑफ दिस, बिकॉज इन अ वे बुद्ध स्टोरी तो इमॉर्टलाइज है ही, हम सब भी इमॉर्टलाइज हो जाएंगे इसके साथ, यू नो, बींग अ पार्ट ऑफ दिस। सो थैंक यू डॉक्टर सर, एंड थैंक यू द होल क्रिएटिव टीम फॉर the way you've just portrayed this whole simple story into an amazing, amazing, amazing show. Thank you very much. We've all forgotten to congratulate the lady behind the, Ridhwana, you deserve a very, very big hand here. To start, and it's going to enlighten the audiences, especially the youth, what would you like to say about that? Well, you know, it's the story of the Buddha is remarkable, and his teachings are the greatest influence worldwide. Buddha, I always say, is India's biggest export, because the influence he's had on the thought of Asian countries in particular, and now in Western countries, is enormous. So the message that this country, this series on the life of the Buddha, brings back to India and propagates in India will, I think, help spread the message of the Buddha even more in the country of his birth. And nothing could be greater than that. Thank you so much. Once again, a round of applause for the cast, which looks beautiful out here. And for the photo op, first I would like to invite Dr. B.K. Modi to please join us here. Dr. Sir, big hand for Dr. Sir. And requesting Dr. Modi to please stay on stage and the cast, I would also like to invite on stage Mr. Bharat Kumar Ranga, the Chief Creative, and Kanjay Balwankar, Head Content Hindi GCs. हम लोग बाहर से ज्ञान की ज्ञान चाहते हैं, इसलिए ही बाहर गॉडमैन की तलाश रहती है। यदि हर मनुष्य अपने को खुद ज्ञानी समझे और वो है ज्ञानी और वो जाने कि उसके अंदर ही सब ज्ञान है, तो उसे फिर बाहर के गवर्नमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यही बुद्ध का मैसेज है, उन्होंने भी ये कहा कि जो मेरी भी शिक्षा है उसको आप ऐसे मत ले लीजिए, उसको समझिए और यदि आपको ठीक लगती है तभी अपने आचरण में लाइए। तो ये जो सीरियल है ये बिल्कुल समय के अनुसार है और हमारी जो यंग पीढ़ी है उसके लिए बहुत ही एक मैसेज है, जिससे कि वो अपने को, वो सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं, वो जानते हैं कि वो क्या चाहते हैं, परंतु ये सीरियल उनको फर्दर एंडोर्समेंट करेगा कि जो वो चाहते हैं वो करें। और आज के युग में आप देख रहे हैं कि यूथ जो है वो ऑलरेडी अपने समझ से अपना जीवन जीना चाहता है, और जैसे जैसे ये सीरियल आगे बढ़ेगा ये यूथ को मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा पसंद आएगा और भी लोग इसको इससे अब सीख ले पाएंगे। इस सीरियल को वीकली रखने की कोई खास वजह? देखिए, एक घंटे का एपिसोड है और जैसे मैंने कहा कि पहले भी सीरियल्स आए हैं, रामायण, महाभारत, रामानंद सागर ने बनाए थे, बीआर चोपड़ा ने बनाए थे, तो जो बुद्ध की कहानी है उसको समझने के लिए जरूरी है कि एक तो एक घंटे का सीरियल बने और लोगों को समय मिले कि उसके बारे में विचार करने में और समझने में। जैसे यहाँ कुछ एक्टर्स ने कहा उनको भी मजा आ रहा है कि क्योंकि ये वीकली है तो उन पे वो प्रेशर नहीं है, जिससे कि वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके, और इसलिए ये जरूरी है
कि ये वीकली का जो हमने कंसेप्ट डाला है और सुबह 11 बजे का, वो सब्जेक्ट को देखते हुए और जो हम कहना चाहते हैं उसको देखते हुए हमारे हिसाब से ये बेस्ट स्लॉट है, और जी टीवी का भी यही विचार है कि इस सब्जेक्ट के लिए यही बेस्ट स्लॉट है। थैंक यू। सो द सीरियल वाज इनिशियली सपोज्ड टू बिकम अ फिल्म, बट व्हाट मेड यू चूज टीवी? बिकॉज़ इन मूवी यू कुड हैव जस्ट शॉर्टन एंड मेड द इंपॉर्टेंट पॉइंट मोर कम टू द फोर, सो व्हाट मेड यू चूज टीवी एंड हैव सच अ ह्यूज स्टार कास्ट एंड गो ऑन फॉर अ लॉन्ग सीरीज? Actually, I had wanted to make a movie on this in Hollywood. We had done the script also by a very famous writer, David Wald, and he had done a 3-year research on this Buddha before he wrote the script. But even then, we were feeling that the film of 2 hours will not just do the justice to the subject. The life of Buddha is not finished with the Nirvana. It goes on to let people know how they can become happy in their life. And that's why the serial is much more detailed. And I think I would say that it's good that we starting with the serial, and with the success of serial, we'll see. And I'm not ruling out that we will make a movie at a later stage. And Mr. Subhash, we have seen Ramayana did not get that much of TRP. So do you think audience actually accept such mythological, and that too Sunday 11 a.m. when people actually want to relax and sleep till late, and the youth actually has a busy life? So you think the show would actually garner the right TRPs? Dekhiye, Ramayana aur Mahabharat jab pehli baar aayi thi to unko extreme success mili thi. Balki kaha jata hai aur humne dekha hai, maine to dekha apne jeevan mein, कि जब रामायण रामानंद सागर की आई थी और जब महाभारत बी आर चोपड़ा जी की आई थी, तो उस समय पूरा भारत रुक सा जाता था। परंतु जब रिपीट कास्ट होने लगा, रामायण 4 बार बन चुकी है, महाभारत 4 बार बन चुकी है, तो एक स्टोरी को नेचुरली आप जब बार बार बताएंगे तो उसकी जो यूनिकनेस है, उसकी जो क्वालिटी है, उसका जो सस्पेंस है, उसका जो कहने का तात्पर्य है, वो लोगों को पता ही है। और महाभारत और रामायण इतनी बार कही जा चुकी है, इसलिए इसका जो टाइटल भी आपने देखा होगा, अनसुनी कहानी बुद्धा के बारे में है। तो जो बुद्ध के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, मैंने बहुत लोगों से पूछा है बुद्ध के बारे में, बहुत कम लोगों को जानकारी है। और ये एक आश्चर्य की बात है, जैसे कि कबीर साहब ने कहा कि भारत देश में जहाँ बुद्ध रहे और जहाँ से बुद्ध की वाणी पूरे विश्व में गई, अपने ही देश में लोग बुद्ध को नहीं जानते। और उसके कारणों में मैं जाना नहीं चाहता, परंतु वो कारण कुछ भी हुए हो, परंतु ये एक ऐसी चीज है जो होनी नहीं चाहिए कि भारत के युवा पीढ़ी को बुद्ध के बारे में ज्ञान ना हो। तो हमें उम्मीद है कि ये सीरियल एक दूसरी श्रेणी में आएगा, इसको आप रिपीट सीरियल के श्रेणी में नहीं ले सकते। मोदी बड़ी गौरव गाथा एक, जिसमें धर्म स्थापित हुआ और उस धर्म को मानने वाले इतनी बड़ी तादाद में लोग हैं। जो बुद्ध की कहानी है, जिनको मालूम है उन्हें मालूम है कि बुद्ध ने 35 साल में 29 साल की उम्र में उन्होंने अपने राज को छोड़ा और 35 साल की उम्र में ही उन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया था, और वो 82 साल तक जिए, 82 ईयर्स की उनकी लाइफ रही। और उस समय के जो राजा थे, जब बुद्ध गए अजातशत्रु जी, उन्होंने ही बुद्ध के जाने के बाद एक महासंघ की रचना करी, जिससे कि उनके बाद बुद्ध धर्म आया। बुद्ध धर्म, बुद्ध जब जीवित थे तब नहीं था, तब तो बुद्ध वाणी थी, और बुद्ध धर्म कोई उन्होंने शुरू करने का प्रयास भी नहीं किया था। ये तो उसके बाद जो उस समय के राजा थे उन्होंने ये सोचा कि इस वाणी को जीवित कैसे रखा जाए, तो उन्होंने एक संघ की रचना करी और फिर उस संघ से बुद्ध धर्म का प्रचार हुआ। तो ये कहानी बुद्ध की है, बुद्ध धर्म की नहीं है। उसकी बुद्ध धर्म की कहानी हमें बनानी होगी, तो एक नया सीरियल बनाएंगे, और उसके बाद कैसे कैसे बुद्ध धर्म दूसरे देशों में गया उसका भी सीरियल बनाएंगे। तो ये तो कई बुद्ध का जो चरित्र है, और उसकी जो ऐसे जैसे बुद्ध धर्म डिफरेंट नेशन में गया है,
वो एक अलग स्टोरी है, उसकी चर्चा हम कभी आगे करेंगे। मोदी साहब एक सवाल है, मोदी साहब एक तो आपने बुद्ध को बुद्धा कर दिया,